ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयम् गणपति पीठत्रयम् भैरवम् सिद्धौ पटुकत्रयम् पदिकम् ध्रुवीकरम् मण्डलम् वीणानश्चुति शिष्णुमुखम् वीरावली पंचकम् श्रीमन्मारिणि मंत्रासहितम् वंदे गुरुर् मंडलम्। हम आज के दिन गुरुमंडल को प्रणाम करते हैं, जो ब्रह्मांड में जितने भी गुरु हुए हैं है उन सभी को प्रणाम करते हुए आज इस क्षेत्र में जो महामाया शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ है वहां हम यह दिव्य दिवस जिसे गुरुपादुका सिद्धि दिवस कहा जाता है, ऐसे दिवस के दिन हम एक गुरुपादुकाओं की पूजा कर वह सिद्धि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा कहा गया है। गुरुजी ने अपनी विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियां में इस गुरुपादुका सिद्धि दिवस के बारे में यह कहा गया कि यह गुरु पूर्णिमा से भी श्रेष्ठ है। इस दिवस के दिन जो अपने गुरुपादुकाओं पर नतमस्तक होकर विशेष विधि विधान के साथ उसका मंत्र और पूजन करता है वो गुरु कृपा को प्राप्त करता है। इस बारे में हमें कथानक कहा गया है कि जब प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति का उद्भव हुआ, ब्रह्मा ने कहा कि मुझे सृष्टि करने के लिए कुछ सुधर नहीं रहा है, मुझे क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी गुरु का आश्रय ले लो, तब तुम्हें तुम्हारा उसका ज्ञान होगा और तुम सृष्टि की रचना कर सकोगे। तो सृष्टि की रचना करने के लिए कोई ना कोई तो शक्ति चाहिए। तब सुयशा नाम की एक दिव्य कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और उन्हें कहा कि इस संसार में सभी को कोई ना कोई मार्गदर्शन मिले, क्योंकि जब संसार में आता है तो उसको हर वृक्ष पानी जल थल जो भी हमारे पंच महाभूत है उन महाभूतों का ज्ञान नहीं होता जिस महाभूतों से हम बने हैं। तब प्रजापति ब्रह्मा ने भगवान शिवजी की आराधना की जो आदि गुरु कहलाए जाते हैं, जिनके गुरु विष्णु है और विष्णु के गुरु शिव है ऐसा कहा जाता है और इन दोनों को भी मानने वाले ब्रह्मा जी कहे गए हैं, इसीलिए हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा ऐसा कहते हैं। तो उस प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि मार्गदर्शन करने वाला कोई ऐसा एक मुझे दिव्य पुत्र दे दो प्रभु जो आपके गणों में स्थापित हो और किसी साधना से श्रेष्ठ कहलाया जाए, ऐसा उन्होंने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। उनके बहुत हजार वर्ष के बाद जब उनकी तपस्या सफलीकृत हुई थी, शिवजी ने कहा कि हाँ तुम्हें मैं एक दिव्य पुत्र को प्रदान करता हूं, वह इस गुरु परंपरा को इस संसार में रखेगा और मेरा प्रियतम होगा। उस प्रजापति को जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो धीमा धीमा बढ़ता गया, तो उनके पिताजी प्रजापति ने कहा कि तेरा जन्म शिवजी को गुरु मानकर आगे चलने के लिए हुआ है, शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो तुझे शिवजी का जप करना है। उसने शिवजी का जप आरंभ किया। जब उसका 1 करोड़ जप पूर्ण हुआ तो शिवजी प्रत्यक्ष हो गए और कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो बोले प्रभु मैं तुमसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं और 1 करोड़ जप करूं। शिवजी हंसे बोले हां तथास्तु। फिर 1 करोड़ जप हुआ। बाद में फिर शिवजी प्रत्यक्ष हुए, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं प्रत्यक्ष हुआ। उसने कहा प्रभु मुझे और 1 करोड़ जप करने की इच्छा है, लालसा है, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं और 1 करोड़ शिवजी का आपका मंत्र जप करूं। फिर भी शिवजी ने तथास्तु कहा। जब शिवजी इसी प्रकार तथास्तु कहने लगे तो 3 करोड़ जप पूर्ण हुआ। तो उसने फिर कहा कि प्रभु मैं और 1 करोड़ जप करना चाहता हूं। तब शिवजी ने कहा अब बस हो गया, क्या तू मुझे अपने में समाहित करना चाहता है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू मेरे साथ रह जा और मेरे गणों में तू श्रेष्ठ गण कहा जाएगा, मेरे जो गणों में तेरी श्रेष्ठ पदवी होगी और यह बात कहता हूं कि तेरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे कभी बिछड़ कर नहीं रह ना रहा, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपसे बिछड़ू नहीं।
शिव जी ने कहा कि तू बिछड़ के नहीं रहेगा और कभी भी मेरे पास ही रहेगा, इसलिए तुझे मैं मेरे गणों में शामिल करते हुए मेरा वाहन बना रहा हूं। और उसे नंदी कहा गया, जो आनंद हम कहते हैं उस नंदी के रूप में, उन प्रजापति उस प्रजापति के पुत्र के रूप में नंदी का आविर्भाव हुआ। और नंदी ने उस दिन कहा कि प्रभु आज से बताओ कि मैं आपकी सेवा किस तरह कर सकूं। शिवजी ने उस दिन उनको कहा कि मैं तुझे मेरे पादुकाओं की पूजन, मेरे चरणों को देखते हुए तू अगर बैठ सकता है तो मैं तुझे वो साधना प्रदान करता हूं। और आदि गुरु शिवजी ने नंदी को यह साधना आज के दिन ही प्रदान की थी। इसके बाद अत्रि महर्षि के पुत्र दत्तात्रेय जी हुए। दत्तात्रेय जी महान तपस्वी थे, विष्णु के अंश थे और गुरु में गुरु, आदिगुरु कहलाने के लायक थे, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने के बाद इन्हें आदिगुरु के रूप में भी कहा गया है। उनके जीवन में एक शिष्य हुआ जिसका नाम था कार्तिक वीर्यार्जुन। वो कृतवीर्य का पुत्र था और अपने गुरु की इतनी सेवा मन से करता था कि उसकी सेवा से दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न थे। कहते हैं कि वो एक बार दत्तात्रेय जी को उनके गोद में बैठे बैठे नींद लगे, गोद में सर रखकर सो रहे थे, नींद लग गई और किसी सांप ने आकर उनको काट लिया। तो उन्होंने उठ तक नहीं खा, इसलिए कि कहीं मेरे गुरु जी का नींद खराब ना हो जाए, उठ ना जाए। और वो वैसे ही बैठे रह गए, उनके शरीर में विष व्याप्त होने लगा। तो वे वैसे ही बिना कराह करते हुए वहीं खड़े रहे। ये बात दत्तात्रेय जी की समझ में आ गया और दत्तात्रेय जी उठे, बोले आज तक मैंने तेरे जैसा शिष्य नहीं देखा, आज से तुझे कोई भी विष तेरे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। यह बात कार्तिक वीर्यार्जुन को उन्होंने कही। कार्तिक वीर्यार्जुन ने इस के बाद उन्होंने कहा कि हे कार्तिक वीर्यार्जुन, मैं तेरे शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुझे सारा सामर्थ्य प्रदान करता हूं, तू संसार में कहीं भी जा विजयी होगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे विजयी होना या कहीं पर जाने के लिए कभी मत कहो, मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाऊंगा ही नहीं। बस ये आशीर्वाद दो कि मैं आपके चरणों में नित्य निरंतर आपके चरणों की सेवा करते रहूं और आपके चरणों की धूल का तिलक करते रहूं और आपकी सेवा करते रहूं, मुझे कहीं दूर जाने की बात मत करो। लेकिन दत्तात्रेय जी ने कहा कि अगर मैं एक सामर्थ्यवान शिष्य को बनाता हूं तो इसका अर्थ यह है कि वो लोग कल्याण के लिए काम आए, तेरा यह कहना ठीक नहीं है कि तू मेरे पास ही रहेगा। उसने कहा, आप कुछ भी करो, आप जो भी काम मुझे सौंपेंगे उसमें मैं मेरे गुरु चरणों से दूर नहीं हो सकूं, ऐसा आप कुछ भी मुझे आशीर्वाद दो, बाद में भी जो काम बोलना है आप बोलो। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि कार्तिक वीर्यार्जुन कौन थे। कार्तिक वीर्यार्जुन को भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है वह अवतार कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा विष्णु जी सोए हुए थे, लक्ष्मी पांव दबा रही थी, तो नारद जी जैसे ही आए और विष्णु की प्रशंसा करने लगे कि प्रभु आपने कितने राक्षसों को मारा है, कितनी श्रेष्ठता है आपकी, कितनी दिव्यता है। तो जो सुदर्शन चक्र विष्णु जी के हाथ में था उसने कहा, वाह नारद महर्षि, कभी भी आते हो विष्णु जी की प्रशंसा करते हो, उन्होंने किसी को भी उन्होंने मारा है या कुछ भी किया है तो उसमें हमारा भी तो थोड़ा योगदान है, आप कभी हमारी प्रशंसा नहीं करते, आप कभी हमारे लिए तो देखा करो। जब विष्णु को लगा कि हाँ इसे गर्व हो गया है कि वो चाहता है कि मेरे बिना, सुदर्शन चक्र के बिना भगवान विष्णु किसी राक्षस को मार नहीं सकते, तो नारद को विष्णु कहते हैं कि वो जो कहता है वो सच्ची है ना नारद, तो कभी सुदर्शन चक्र की प्रशंसा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैं भी अन्याय कर रहा हूं मेरे सुदर्शन चक्र के प्रति, तो हे सुदर्शन मैं तुझे संसार में जन्म लेने के लिए भेजता हूं, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सहस्त्र वर्षों के लिए तू जा और पृथ्वी पर राज्य कर, ऐश कर, तू जैसा चाहता है वैसा जीवन जी, मैं तुझे आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सुदर्शन खुश हो गया कि सभी लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हैं, मैं जब राजा होऊंगा तो मेरी भी प्रशंसा करेंगे, मैं भी राजा बन जाऊंगा। और कार्तिक वीर्यार्जुन के रूप में उन्होंने कृतवीर नाम के राजा को पुत्र के रूप में पैदा हुआ। और जब उन्होंने पैदा हुए तो उन्होंने दत्तात्रेय जी को गुरु मानकर सेवा आरंभ कर दी। यह एक बात।
ये कार्तिक विराजन ही जब सेवा करने लगे तो दत्तात्रेय जी उनको उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि हे कार्तिक विराजन, तू बार बार ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये विधान नहीं है। मैं तुझे जब सामर्थ्यवान बनाता हूं तो तुझे लोक कल्याण करना ही है, और उस लोक कल्याण के लिए मैं तुझे मार्ग बताता हूं।